जो बोर्ड एग्जाम का टीचर होता हैगा वो क्या करता है, आपकी आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया, अगर उसको आपने बॉक्स में बंद नहीं करा, सुन लो ध्यान से प्यारे बच्चों, तो आपके मार्क्स वो कहीं ना कहीं उसको क्या ऑकवर्ड फील होता है। अगर आपने जो आंसर वो इस आंसर शीट में देख रहा है वो क्या बेटा क्रमबद्ध तरीके से होता है, वो सीक्वेंस में होता है, वो बॉक्स में बंद रहता है। अगर तुमने भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को आंसर लास्ट में लिखा और बॉक्स में बंद कर दिया, एक तरीके से तुमने हाईलाइट कर दिया, क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तुमने हाईलाइट कर दिया, तो बोर्ड एग्जाम के टीचर की उसके पास चूंकि आंसर शीट है तो उस आंसर शीट से आपके आंसर को मेंशन करेगा, मैच करेगा और आपको इसे राइट लगा देगा, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, लेंस हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, और डीसी मोटर, डायनमो, गेट, डायनमो हो गया, गेट हो गया, इसके अलावा एलसीआर सर्किट वगैरह हो गया। बेटा इन सभी डायग्राम के अंदर, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू शुड वेरी क्लियर अबाउट इट, वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि हमें यहां पर एरोस का ध्यान रखना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम होता हैगा, इसके अंदर क्या होता है, लेंस होता है। तो बेटा लेंस एकदम अच्छे बनाना, इसके जो कॉर्नर्स रहेंगे ना, ये ऊपर अपर कॉर्नर और जो इसका बॉटम कॉर्नर होगा, ये टॉप और बॉटम कॉर्नर जो रहेंगे आपके एकदम थिन होने चाहिए, एकदम पतले बनाओगे आप। और प्रयास करना कि जब भी आप डायग्राम बनाओ तो ऑब्जेक्ट में हमेशा बेटा आपको एरो शो करना है। अगर आप एरो नहीं शो करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, एरो अगर नहीं शो करोगे तो मार्क्स 100% कटेंगे। और मिरर में भी ये है कि आपको एरो का ध्यान रखना है। डायनामो का जहां तक सवाल है, तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें क्या है, बीच में एक मैग्नेट होता है ना, तो यहां पर भी आपको यहां पे साइड, सॉरी यहां पर कॉइल होती है और यहां पर मैग्नेट होता है साइड साइड में, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट को हमें शो करना होता है, तो उसमें भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो गेट वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड गेट होता है, ठीक है, गेट वगैरह जो होते हैं, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इनपुट और आउटपुट दे रहे हो तो उसका ट्रुथ टेबल ध्यान से बनाओ, अच्छे से कॉलम बनाकर, और साथ में यहाँ पे जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है तो ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, सबसे मेन बात ये कि ट्राई टू डू इट, कि आप कोई सा भी डेरिवेशन करोगे तो बेटा डेरिवेशन को बीच में मत छोड़ना, न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। लेट सपोज कि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, तो आपको